किसी गांव में नैना और सुनैना नाम की दो सौतेली बहनें रहती थीं। नैना एक सीधी सादी लड़की थी, जबकि उसकी सौतेली बहन सुनैना बहुत ही लालची और मतलबी थी। फिर कुछ समय बाद सुनैना की शादी कुणाल नाम के लड़के से हो जाती है। कुणाल भी सुनैना की ही तरह बहुत लालची था। दूसरी तरफ वो नैना को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। सुनैना, मैं जब भी इस नैना की शक्ल देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसे हम घर पर रखकर क्यों खिला रहे हैं? चलो इसे घर से बाहर भगा देते हैं। अरे वाह कुणाल, ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन अगर हम इसे घर से बाहर निकालेंगे तो इस घर में हमें नैना को आधा हिस्सा देना पड़ेगा। अच्छा तो ये बात है, एक काम करते हैं, हम उसे डरा धमका कर यहाँ से भगा देते हैं। फिर अगले दिन कुणाल ढेर सारे पैसे चुपके से नैना के कमरे में छुपा देता है और गांव वालों को इकट्ठा करके उस पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। नहीं नहीं जीजा जी, इस तरह झूठ मत बोलिए, मैंने चोरी नहीं की। हर चोर यही कहता है। देख नैना, मैं कई सालों से तेरी हरकतें बर्दाश्त करती आई हूँ, लेकिन आज तूने मेरे पति की मेहनत की कमाई चुराने की कोशिश की है, इसीलिए अब मैं तुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। इससे पहले कि मैं पुलिस को यहाँ बुलाकर तुझे जेल की हवा खिला दूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जा और दोबारा घर में आने की हिम्मत मत करना। पुलिस का नाम सुनते ही नैना घबरा जाती है। ठीक है दीदी, मैं यहाँ से जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी गाय को साथ लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ, तू अपनी गाय को अपने साथ ले जा, वैसे भी ये आए दिन बीमार रहती है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद नैना अपनी गाय के साथ उस गांव को छोड़कर चली जाती है। फिर चलते चलते नैना अपनी गाय के साथ एक जंगल में पहुंच जाती है। आह, अब मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती हूँ। उसी पेड़ के ऊपर बैठी एक परी जादुई फल खा रही थी। तभी अचानक परी के हाथ से एक जादुई फल नीचे गिर जाता है और नैना की गाय उस फल को खा लेती है। फिर अगले ही पल नैना की गाय सुनहरे रंग में बदल जाती है। ये नजारा देख नैना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वो परी उस पेड़ के नीचे उतर जाती है। तुम्हारी गाय ने मेरा जादुई फल खाया है, इसीलिए ये सुनहरी और जादुई बन गई है। अब से तुम्हारी गाय तुम्हें रोज एक जादुई लिपस्टिक देगी। तुम उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाकर अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हो। ये सुनकर नैना बहुत खुश होती है। उसके बाद नैना गाय को लेकर अपने गांव पहुंच जाती है। फिर अगले ही पल नैना की सुनहरी गाय उसके सामने एक जादुई लिपस्टिक प्रकट कर देती है। फिर नैना उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगा लेती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर घर प्रकट हो जाए। नैना के इतना कहते ही वो जादुई लिपस्टिक एक विशाल सुंदर घर के रूप में बदल जाती है। ये देख नैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद नैना अपनी गाय के साथ उस घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन सुनहरी गाय फिर से एक जादुई लिपस्टिक प्रकट कर देती है। नैना उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाकर कहती है, मैं अपने साथ साथ गरीबों की भी मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। फिर अगले ही पल जादुई लिपस्टिक के अंदर से ढेर सारे 2000 के नोट बाहर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ नोटों का ढेर लग जाता है। उसके बाद नैना अपनी जरूरत की सभी चीजें खरीदकर घर ले आती है और साथ ही बचे हुए पैसे गरीबों में बांट देती है। इस तरह नैना रोज जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल अपने साथ साथ गरीब और मजबूर लोगों की मदद के लिए भी करती थी। धीरे धीरे नैना उस गांव में सबसे अमीर हो जाती है और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ नैना की खुशी देख सुनैना और उसके पति को बहुत जलन होती है। नैना की गाय रोज उसे जादुई लिपस्टिक देती है, पता नहीं आखिर उसके अंदर ये जादुई शक्ति कहां से आई। मुझे नैना की अमीरी देखकर बहुत जलन हो रही है,
हमें कुछ करना चाहिए। एक काम करते हैं, उसकी जादुई गाय को जहर देकर मार देते हैं, उसके बाद नैना को कभी जादुई लिपस्टिक नहीं मिलेगी। फिर उसी रात दोनों पति पत्नी ढेर सारे जहरीले लड्डू लेकर नैना की गाय के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी गाय की आंखों से एक रोशनी प्रकट होती है और वो सारे लड्डू हवा में उड़ते हुए उन दोनों के मुंह में जाने लगते हैं। जहरीले लड्डू होने की वजह से कुछ ही पलों में उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और वो दोनों खून की उल्टियां करने लगते हैं। ओह, अरे मर गया रे, बचाओ मुझे। हाय, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब मेरी समझ में आया कि दूसरों के बारे में बुरा सोचने का क्या अंजाम होता है। तभी वहाँ नैना आ जाती है। नैना को देखते ही दोनों उसे सारी बात बताकर उससे माफी मांगने लगते हैं। फिर नैना को दोनों पर दया आ जाती है। मेरी प्यारी गाय, इन दोनों को इनका सबक मिल गया है, अब तुम इन्हें माफ कर दो। फिर अगले ही पल गाय अपनी आंखों से रोशनी छोड़कर सुनैना और कुणाल को पूरी तरह ठीक कर देती है। उस घटना के बाद दोनों पति पत्नी सुधर जाते हैं और जीवन में फिर कभी नैना को परेशान करने की हिम्मत नहीं करते। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और नैना हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। बहुत समय पहले किसी गांव में बनवारी नाम का एक गरीब आदमी अपनी सात बेटियों के साथ रहता था। बनवारी ने अपनी सातों बेटियों की शादी अच्छे घरों में तय कर दी थी। साथ ही उसने जिंदगी भर मेहनत मजदूरी करके शादी के लिए ढेर सारे पैसे भी इकट्ठा कर लिए थे। लेकिन फिर एक रात अचानक बनवारी के घर में चोरी हो जाती है और चोर उसके घर में रखे सारे पैसे चुरा कर ले जाते हैं। इस बात से बनवारी को बहुत धक्का लगता है और वो बीमार पड़ जाता है। दूसरी तरफ सभी लड़के वाले उसके घर पर आ जाते हैं। हमने सुना है तुमने दहेज के लिए जो पैसे इकट्ठा कर रखे थे वो सब चोरी हो गए, अब तुम शादी में हमें दहेज कैसे दोगे? अरे मुझे तो लगता है ये सब इसकी नौटंकी है, इसने कभी पैसे जमा ही नहीं किए थे, अब ये चोरी का बहाना बनाकर अपनी बेटियों की शादी मुफ्त में करना चाहता है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यही लगता है, इसीलिए हमें ये शादी तोड़ देनी चाहिए। वहाँ मौजूद सभी लड़के वाले इस बात से सहमति जताते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाए हैं। दया करके आप सब लोग शादी तोड़कर मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद मत करिए। लेकिन उन लालची लोगों को बनवारी पर जरा भी तरस नहीं आता और वो सभी शादी तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बनवारी और सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसी रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। अपने पिता की मौत पर सभी लड़कियाँ फूट फूट कर रोने लगती हैं। फिर अगली सुबह उनके घर पर मनोहर नाम का एक आदमी आता है। तुम्हारे पिता ने तुम सबकी शादी के लिए मुझसे काफी रकम उधार ली थी, अब तो तुम्हारा पिता मर गया है, इसलिए अब अपने पैसे वसूल करने के लिए मैं इस घर को बेच दूंगा। शाम तक तुम सभी घर खाली करके यहाँ से निकल जाओ। मनोहर चाचा, हम पर इतना अत्याचार मत करिए, अगर आपने हमें घर से निकाल दिया तो फिर हम सब कहाँ जाएंगे? हाँ, आपने जिंदगी भर हमें अपनी बेटी कहा है, कम से कम हमें इस घर से बाहर मत निकालिए। देखो, मैं व्यापार में किसी का सगा नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, अगर मैं इसी तरह सभी लोगों से रिश्ता जोड़ता रहा तो मैं खुद सड़क पर आ जाऊंगा। बस बहुत हो गया, मैं तुम सबको शाम तक का समय देता हूँ, वरना मुझे जबरदस्ती तुम सबको घर से बाहर भगाना पड़ेगा। इतना कहकर मनोहर वहाँ से चला जाता है। फिर आखिरकार मजबूर होकर सातों बहनें गांव छोड़कर चली जाती हैं। फिर वो सभी शहर जाकर मजदूरी करने का फैसला करती हैं।
शहर पहुंचने के बाद सातों बहनें अलग अलग जगहों पर जाकर काम मांगती हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता। फिर आखिरकार वो सभी भूख से परेशान हो जाती हैं। तभी उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखाई देता है। रेस्टोरेंट को देखते ही उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। उसके बाद वे सभी चुपके से रेस्टोरेंट की रसोई घर के पास पहुंच जाती हैं और वहां से खाना चुराने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन तभी खाना बना रहा रसोईया उन्हें देख लेता है। उसके बाद वो बाकी लोगों को वहां बुला लेता है। फिर सभी लोग मिलकर उन सातों बहनों की खूब पिटाई करते हैं। मार खाकर बेचारी सातों बहनें रोती हुई पास के जंगल की ओर चली जाती हैं। चलते चलते वो सभी एक नदी के किनारे पहुंचती हैं और वहां मछली पकड़ने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक नदी के अंदर से एक जादुई बैंगन का घर बाहर निकल आता है। तुम सब कौन हो? चलो यहां से भागो, यहां मछली पकड़ना मना है। मेहरबानी करके हमें थोड़ी सी मछली पकड़ने दो, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। उन सभी बहनों की आंखों में आंसू देख बैंगन घर को उन सब पर तरस आ जाता है। फिर अगले ही पल बैंगन घर उन सब के सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट कर देता है। खाना खाते खाते सभी बैंगन घर को अपने साथ घटी सारी घटना बता देती हैं। तुम सबकी किस्मत तुम्हें यहाँ लेकर आई है, आज से मैं तुम सबकी देखभाल करूँगा। इतना कहकर बैंगन घर अपनी शक्ति से उन सभी बहनों के पुराने कपड़ों को सुंदर ड्रेस में बदल देता है। दूसरी तरफ बैंगन घर की परी देश में रहने वाली परियों से बहुत अच्छी दोस्ती थी। फिर वो उनसे बात करके सारी बहनों की शादी परी देश में रहने वाले लड़कों से तय करवा देता है। ये जानकर सभी बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद बैंगन घर उन सभी की शादी करवाकर उन्हें उनके ससुराल भेज देता है। इस तरह वो दयालु बैंगन घर उन अनाथ लड़कियों की मदद करके उनकी जिंदगी संवार देता है और वो सभी हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती हैं। बहुत समय पहले किसी पहाड़ी के ऊपर एक जादुई रसगुल्ला घर हुआ करता था। उस घर में सात बहनें रहती थीं। सातों बहनें बहुत ही दयालु थी। वो हमेशा गरीब और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद किया करती थी। फिर एक दिन वो सातों बहनें अपने जादुई रसगुल्ला घर में सवार होकर आसमान की सैर कर रही थी। तभी उनकी नजर एक गांव पर पड़ती है। परी देश की रानी परी ने गांव में सभी लोगों को रस्सी से बांध रखा था और वो कोड़ों से लोगों की पिटाई कर रही थी। रानी परी का गांव वालों पर अत्याचार होते देख उन सातों बहनों को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो सातों अपने रसगुल्ला घर को जमीन पर उतार देती हैं। ठहर जा, क्यों रे दुष्ट रानी परी, तो इन सब मासूमों पर अत्याचार क्यों कर रही है? परी देश में खदान की खुदाई के लिए मैं इन सबको अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। अच्छा, तो ये बात है, लगता है इस घमंडी रानी परी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद वो सातों बहनें तालियां बजाने लगती हैं और देखते ही देखते उनके रसगुल्ले घर के अंदर से एक बड़ा रसगुल्ला बाहर निकलकर रानी परी को अपने अंदर कैद कर लेता है। ये देख रानी परी घबरा जाती है। फिर वो अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उस रसगुल्ले को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। तभी रानी परी अपने सैनिकों से कहती है, अरे नालायकों, तुम लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? जल्दी से रसगुल्ले को काट कर मुझे बाहर निकालो। फिर सभी सैनिक अपनी तलवारों से रसगुल्ले को काटने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन सैनिकों को बिजली का झटका लगता है और वो सभी जमीन पर गिर जाते हैं। अरे, ये सातों बहनें बहुत खतरनाक हैं, हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे, चलो भागो यहाँ से। फिर सारे सैनिक वहाँ से भाग जाते हैं। सुन घमंडी रानी, अगर आज के बाद तूने कभी इन गांव वालों को परेशान करने की कोशिश की तो हम सातों बहनें मिलकर तुझे जान से मार देंगे।
उसके बाद सातों बहनें फिर से तालियां बजाने लगती हैं और वो रसगुल्ला रानी परी को हवा में उड़ाकर वहां से दूर ले जाता है। हमें उस बेरहम रानी परी से बचाने के लिए तुम सातों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर वो रानी परी यहाँ फिर से आ गई तो हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, हम तुम्हारी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करके जाएंगे। उसके बाद वो सातों बहनें अपने जादुई रसगुल्ला घर के अंदर से रसगुल्ले से बना एक आदमी प्रकट कर देती हैं। ये जादुई रसगुल्ला आदमी आज से तुम सबकी रक्षा करेगा। उसके बाद वो सातों बहनें अपने रसगुल्ला घर पर सवार होकर हवा में उड़ती हुई वापस पहाड़ी पर चली जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन रानी परी ढेर सारी परियों को लेकर उस गांव में आ जाती है। आज मैं पूरी तैयारी करके आई हूँ। अब मैं तुम सबको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। तभी रसगुल्ले से बना आदमी रानी परी पर हमला कर देता है, लेकिन रानी परी और बाकी परियां अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से रसगुल्ले आदमी को जंजीरों से जकड़ देती है। उसके बाद रानी परी उस आदमी के ऊपर आग लगाकर उसे जलाकर राख कर देती है। ये देख सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। अरे, इसने तो रसगुल्ला आदमी को जलाकर राख कर दिया, अब हम क्या करें? मुझे बहुत डर लग रहा है, लगता है अब हमें रानी परी का बंधक बनके उसके साथ जाना ही पड़ेगा। फिर रानी परी और वहाँ मौजूद सभी परियां गांव वालों को रस्सियों से बांध देती हैं और उन्हें हवा में उड़ाकर अपने साथ परी देश ले जाती हैं। उसके बाद रानी परी उन सभी लोगों से जबरदस्ती खदानों में काम करवाने लगती हैं। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अगर किसी ने भी आलस किया तो मैं उसके दोनों हाथों को काट कर फेंक दूंगी। इस तरह रानी परी उन लोगों पर घोर अत्याचार करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रानी उन सभी लोगों को सिर्फ जिंदा रखने के लिए रूखा सूखा खाना दिया करती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उन सातों बहनों को रानी परी की इस हरकत के बारे में पता चल जाता है। हमें उस रानी परी को उसी दिन जान से मार देना चाहिए था, लेकिन अब वो हमसे नहीं बचेगी, चलो इसी वक्त परिदेश चलते हैं। फिर सातों बहनें अपने जादुई रसगुल्ला घर को लेकर परिदेश पहुंच जाती हैं। उसके बाद सातों बहनें रानी परी और उसके साथ मौजूद परियों को संभलने का बिल्कुल मौका नहीं देती और उन पर जादुई रसगुल्ले बरसाने लगती हैं। फिर रानी परी और उसकी सारी परियां जादुई रसगुल्ला के अंदर कैद हो जाती हैं। चलो अब इन सब का खात्मा कर देते हैं। उसके बाद वो सातों बहनें रसगुल्लों में कैद रानी परी और दूसरी परियों को एक बड़े गड्ढे में ले जाकर फेंक देती हैं और उस गड्ढे के ऊपर ढेर सारी मिट्टी डालकर उन सभी को हमेशा के लिए जमीन में दफन कर देती हैं। इस तरह सातों बहनें रानी परी और उसकी साथी परियों को सजा देकर गाँव वालों को बचा लेती हैं। फिर वो सातों बहनें सभी गांव वालों को सही सलामत उनके गांव पहुंचा देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी गांव वाले फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं।